हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें हमारी एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइज आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 से जो हमने 1 to 6 में किया वो तो हमें करना ही है कि कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है, क्योंकि अगर हमें सोल्यूशन मिलेगा तभी तो हम फाइंड करेंगे। अगर ये इक्वेशंस अगर कंसिस्टेंट होगी तभी हम सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मैथड। तो जो अभी हमने इंट्रोडक्शन में जो मैथड पढ़ा था ना, मैट्रिक्स मैथड, उस मैथड से हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जो हमने क्लास 10 में पढ़ा उस मैथड से नहीं करना है, मैट्रिक्स मैथड से हमें सॉल्व करना है। तो जो आपको इक्वेशंस दी हुई उसको आपको 3 मैट्रिक्स में हम लिखते हैं। पहले कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होती है, फिर वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है, फिर कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स होती है, उसके बाद हम उनको सॉल्व करते हैं। चलो लिखिए फिर इसमें से 3 मैट्रिक्स। तो पहली मैट्रिक्स को हम ए नेम देते हैं। ए नेम आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है, कोफिशिएंट की। एक्स के कोफिशिएंट क्या है, एक 5 है एक 7 है, तो 5 ऊपर 7 नीचे। फिर वाई के कोफिशिएंट क्या है, 2 और 3 है, तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। फिर उसके बाद आपकी वेरिएबल की मैट्रिक्स, तो वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई, 2 ही वेरिएबल है तो 2 ही चीज यहाँ पर आएगी। फिर आपकी यहाँ पर होती है बी। बी में हम लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स, तो कौन सी है आपकी, 4 और 5 है। तो ये 3 मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिख दी। अब उसके बाद हम यहाँ पे सारी मैट्रिक्स की यहाँ पे जो भी सोल्यूशन हमें निकालना है, हम इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे चेक करेंगे। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमें क्या करना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करना होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि सोल्यूशन आएगा या नहीं। तो 5 3s are 15 -7 2s are 14 हो गया। 15 - 14 क्या हो गया, 1 हो गया। ये नॉट इक्वल 0 है, दैट मीन्स ये इक्वेशंस क्या है आपकी कंसिस्टेंट है। यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स मेथड है वो हमें कहता है कि x = A 1 B। इसमें आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, यानी A 1 की वैल्यू पुट करो, B की वैल्यू पुट करो। A 1 एक मैट्रिक्स होगी, B भी एक मैट्रिक्स होगी, ये भी एक मैट्रिक्स है, पुट करो तो आपको एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये हमारा मेथड है। ये अगर आता है तो फिर ये वाला मेथड हमें लगाना है ना, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर ≠ 0 आता है तो हम इससे यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है, 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। यही होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका इनवर्स निकालना उसका। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो बहुत ईजी है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत ईजी है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो -2 हो गया, ये माइनस का 7 हो गया। तो ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, यहाँ पे पुट कर दो। तो 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 3 - 7 - 2 और ये 5 हो गया। तो 1 1 1 ही होता है, 1 अंदर सबसे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ए इनवर्स यहाँ से कितना आ रहा है, 3 - 7 - 2 और 5 आ गया। तो ए इनवर्स पता है, बी आपको पता ही है, एक्स आपको पता ही है, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। ठीक है, तो हमने वैल्यू रख दिया। एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये रही। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये रही। बी की वैल्यू क्या है, ये रही। अब इसको सॉल्व करो। लेफ्ट में तो हमारा वेरिएबल है, ओनली हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट को सॉल्व करना है। तो राइट के लिए क्या करना है, ये दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये कॉलम यहाँ से उठ के क्या बन जाएगा, यहाँ रो बन जाएगा। अभी यहाँ पे कॉलम है, ये रो बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना अब आप सबको आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया, चलो करो मल्टीप्लाई। 4 3s are 12 हो गया, 5 into -2 तो माइनस का 10 हो गया, -7 into 4 तो माइनस का 28 हो गया, और 5 5s are कितना हो गया, तो प्लस का 25 हो गया, है ना। और ये आपका यहाँ पर एक्स वाई चल ही रहा है। तो अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से आपका 10 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। 28 में से 25 गया तो 3 बचा, लेकिन 28 बड़ा तो साइन आपका नेगेटिव आएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब कंपेयर कर लो, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा। तो यहाँ पर कंपेयर जब हमने किया तो x = आपका 2 आ रहा है एंड y = आपका -3 आ रहा है। तो बस यही 2 वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी थी। तो 1 to 6 क्वेश्चन में हमने सिर्फ यहाँ तक काम किया था। सोल्यूशन के लिए अब हमें आगे चलना है। सोल्यूशन के लिए कौन सा मेथड लेना है वो सब आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा का पूरा कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें वही करना है। 7 to 14 क्वेश्चन में हमें वही मैट्रिक्स मेथड से इनके सोल्यूशन निकालना है। तो पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए क्या होती है? कॉफिशिएंट की मैट्रिक्स। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 2 है एंड 3 है। वाई का कॉफिशिएंट क्या है? -1 एंड 4 है। तो -1 एंड 4 लिख दिया। फिर वेरिएबल, तो दो ही वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स एंड वाई। फिर आपके कॉन्स्टेंट टर्म, तो बी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? -2 एंड 3। तो -2 हो गया, 3 हो गया। सोल्यूशन निकालने से पहले हमें देखना है कि सोल्यूशन हमें मिलेगा या नहीं, तो इसके लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो 4 2 8 हो गया। फॉर्मूले का माइनस, -1 इंटू 3 आपका यहाँ पर माइनस का 3 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये 8 + 3 यानी कि यहाँ से हमें 11 मिला, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो बोथ इक्वेशंस जो है वो आपकी कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो हमें यहाँ से यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए अब हमें यहाँ पे लेना क्या है? तो वही सोल्यूशन के लिए हमने लेना है, जब इस कंडीशन होती है तो हम x इक्वल टू क्या लेते हैं? A इनवर्स B। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और इससे हमें यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। तो A इनवर्स चाहिए, तो हमें पता है A इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो पहले एडजॉइंट ऑफ A कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है? शॉर्टकट मेथड, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यहाँ 2, इनके साइन चेंज कर दो। ये पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप। A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है? 11, एडजॉइंट ऑफ A कितना है? 4 - 3 1, 2 हो गया। चलो अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है? x, y है। मैट्रिक्स पुट करनी है। A इनवर्स क्या है? तो 1 अपॉन 11 4 - 3 1 2 है। फिर B कौन है? तो -2 आपका 3 है। ठीक है, बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्या करें, ये तो एक फ्रैक्शन है, इसको छोड़ देते हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको ले जाते हैं इधर। तो ये आपका कॉलम जो है वो रो में चेंज जाएगा। तो यहाँ -2 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया। चलो करो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई करने का एक काम बचा है यहाँ पे हमारा। तो ये देखो, ये 1 अपॉन 11 एज इट इज है, -2 इंटू 4 - 8, 3 इंटू 1 + 3 हो गया, -3 इंटू -2 तो ये 6 हो गया, और 3 2 ये आपका यहाँ पर +6 हो गया। तो ये कितना आया? 1 अपॉन 11, 8 में से 3 गया तो आपका यहाँ पर 5 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। और ये आपका कितना हो गया? 6 + 6 तो ये आपका 12 हो गया, है ना। तो हमें तो यहाँ पे क्या करना होता है? मैट्रिक्स को कंपेयर करके एक्स-वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अभी 1/11 बाहर है। अगर यहाँ 1/11 होता तो हम चलो कैंसिल कर देते हैं। तो 1/11 को हम अंदर ले आते हैं। तो हमें पता है मैट्रिक्स के बाहर जो भी होता है वो दोनों के पास जाके मल्टीप्लाई होता है। तो ये -5 इंटू 1/11 हो गया, और ये 12 इंटू 1/11 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका? लेफ्ट आपका एज इट इज है। तो ये आपका कितना हो गया? -5/11, 12 1 जा तो ये आपका 12/11 है। कंपेयर करो तो यहाँ से x कितना आ गया? -5/11 आया, और y कितना आ गया? तो यहाँ से 12/11 आ गया। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन किए और अच्छे समझ में आए। देखो वहां पे यहाँ कोई नंबर नहीं था, यहाँ पर अगर बाहर नंबर, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे, आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को यहीं पॉज करो। 9th वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, 2-3 मिनट वीडियो आगे करके आप देखना आपका आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मैट्रिक्स मैंने लिख दी। मैट्रिक्स आपको लिखना आ गया, ये चीज है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो रहे हैं, आगे जाके और लेंथी होंगे। तो कुछ चीजें अब आपको जो समझ में आ गई वो मैंने डायरेक्ट लिख दी। 4 3 - 3 - 5, ये वेरिएबल हो गया, ये 3 7 हो गया। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए -5 इंटू 4, -20 हो गया, 3 इंटू -3 तो -9 हो गया, और ये फॉर्मूले का माइनस है ना, डिटरमिनेंट हम ऐसे ही निकालते हैं। तो -11 आया, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कंसिस्टेंट होगा इक्वेशंस और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। फिर वही इसको हमें लेकर के चलना है, A इनवर्स निकालना है। ये फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, दोनों को इंटरचेंज कर दो और इनके साइन को चेंज कर दो। तो A इनवर्स क्या हो गया आपका? -1/11, और ये यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A हो गया, और ये रख दिया। ये समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे, हम जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो माइनस को बाहर नहीं छोड़ते, हम हमें सोल्यूशन जब लिखते हैं तो माइनस को बाहर नहीं छोड़ते हैं। तो हम ओनली यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस को बाहर लेते हैं। आप चाहो तो 1/11 को भी ले जा सकते हो, लेकिन फिर वो आगे कैलकुलेशन में आपकी दिक्कत करेगा, इसलिए हम इस नंबर को बाहर ही रखते हैं। वरना आप क्या करोगे? ये 5/11 हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा, फिर आप b का मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो आप माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो जो भी आपके नेगेटिव वो पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव है वो आपके यहाँ पर क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। तो हम ये वाली वैल्यू जो है वो A इनवर्स की यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब हमने जो हमारा मैट्रिक्स मैथड है उसमें सारी वैल्यू जो हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे निकाल दी है ना, निकाल दी। तो बस वैल्यू रखो, x क्या है यहाँ पर, एक्स वाई है। ए इनवर्स क्या है, तो 1/11 5 3 -3 -4 है। फिर B क्या है आपका, तो यहाँ पे 3 7 है। बस अब तो क्या करना, अब तो बहुत इजी काम है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बहुत इजी है। तो ये उठा के कॉलम को उठा के यहाँ पे रो बना दो। चलो करो सॉल्व। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, ये आपका y हो गया, इक्वल टू 1/11। तो सॉल्व करो, 5 3 = 15 -3 × 7 -21 5 3 × 9 7 × -4 तो -28 हो गया। पहले इसको सॉल्व कर ले। तो ये तो जो लिखना है वो तो एज इट इज लिख लेते हैं। अब 21 में से आपका यहाँ पर क्या गया, 15 गया, तो 6 बचा, लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि 21 बड़ा है। फिर 28 में से आपका यहाँ पे 9 गया, तो 19 बचा, लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि 28 बड़ा है। अब हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 11 को अंदर लेकर के जाते हैं। तो ये माइनस का 6/11, क्योंकि देखो -6 × 1/11 क्या होगा, -6 × 1 -6 और नीचे 11, और ये आपका माइनस का 19 बाय क्या होगा यहाँ पर 11 हो गया, है ना। तो कंपेयर करोगे तो x कितना आ गया, -6/11, एंड y कितना आ गया, तो -19/11। ये दो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, चलो 9 तक भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी जो अभी हमने 7, 8, 9 किए वैसा ही है। उसके बाद में हमारी यहाँ पे 3 इक्वेशंस आएगी ना, तो वहां पे थोड़ा सा प्रोसीजर तो वही रहेगा, लेकिन 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स वाला प्रोसीजर लगेगा। चलो आप खुद सॉल्व करो, आधा क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो वही हमने मैट्रिक्स लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, 5 2s are 10 -3 2s are 6 4 आया, ≠ 0, कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन। फिर वही ए इनवर्स निकाला, तो एडजॉइंट ऑफ ए, इंटरचेंज साइन चेंज, तो इंटरचेंज साइन चेंज, वैल्यू रख दिया, ए इनवर्स आ गया। चलो अब वैल्यू पुट करें, सोल्यूशन चाहिए हमें। एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका, x, y हो जाएगा। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमने ये निकाली अभी, तो 1/4 एज इट इज हो गया, 2 -3 -2 5 हो गया। फिर B कितना है, तो आपका 3 5 हो गया। तो वही इसको उठा करके कहाँ ले जाएंगे, इस कॉलम को उठा करके यहाँ बना देंगे रो। तो ये 3 आ गया, ये यहाँ पर 5 आ गया। तो बस लिखते रहो, चलते रहो। तो ये x y हो गया, इक्वल टू आपका 1/4 हो गया, 3 2s are 6 हो गया, 5 × -2 तो -10 हो गया, 3 × -3 तो -9 हो गया, 5 5s are आपका यहाँ पर 25 हो गया। ठीक है, तो चलते रहो, x y हो गया, इक्वल टू आपका 1/4 हो गया, 10 में से 6 गया, तो 4 बचा, लेकिन साइन आपका यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। फिर 25 में से 9 गया, 9 गया तो आपका 16 बचा ना, क्योंकि 16 + 9 25 होता है, यह पॉजिटिव आएगा। तो अब यहाँ पे लेके जाओ 4 को अंदर, तो -4/4 हो जाएगा, और ये 16/4 हो जाएगा, है ना। 1/4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये -4/4 4 के टेबल 4 आया 1 टाइम, 4 के टेबल 4 आया 16 टाइम। तो यहाँ -1 बचा, यहाँ 4 बचा। तो हैंस अब आप यहाँ पे लास्ट में क्या बचा, इधर लेफ्ट में तो xy बचा है, और इधर -1 और 4 बचा है। तो कंपेयर करो, तो x = -1 आ रहा है, एंड y = आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बस यही हमारी वैल्यू, पीछे चेक कर लो। तो देखो ये 4 क्वेश्चन तो हमारे कोई टफ नहीं थे। 2 इक्वेशंस होती है तो बहुत इजीली हमारा सॉल्व हो जाता है। अब जो 3 इक्वेशंस आएगी तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो आपके को फैक्टर्स होते हैं उसका आप ट्रांसपोज करते हो तब आता है। तो सबके हमें यहाँ पे को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 11 इक्वेशन। देखो इसमें x y z तीनों है, इसमें x y z तीनों है, इसमें y z ये x नहीं है, तो x की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ 0 लिख देंगे। देखो 2 1 यहाँ x नहीं है तो 0 आ गया। तो ध्यान रख के इसको लिखना, y तो ये 1 है, ये -2 है, ये 3 है, तो 1 -2 3 z के कोफिशिएंट 1 -1 और ये -5, तो ये हमने लिख दिया। ये वेरिएबल 3 है तो 3 वेरिएबल लिख दिया, और 3 कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट हमने लिख दिया। अब वही कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। अब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होते सब काम लेंदी हो जाएगा, किसी के भी अलाउंग आप इसको क्या करो, एक्सपांड करो। तो हम यहाँ पे R1 के अलाउंग एक्सपांड करते, तो 2 लिख ले। आपको पता है यहाँ वाला जो भी टर्म आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन यहाँ पे लगेगा, है ना। जैसे ये +2 आ रहा है ना, ये लिखेंगे तो हम -1 लिखेंगे। तो 2 लिखा, तो यहाँ पे क्या बचा, ये छूट गया, ये छूट गया, तो इनको मल्टीप्लाई करो, -5 × -2 तो ये आपका ब्रैकेट ऐसा बना लेते हैं, -5 × -2 तो ये आपका 10 हुआ, क्योंकि -- प्लस हो जाता है, 3 × -1 तो ये -3 आया, और एक फॉर्मूले का यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ -1 आएगा, जैसे इसके साथ प्लस आया बट यहाँ माइनस आता है, ये इसके साथ और इसका 2 4 6 8 के साथ में नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो -1 के साथ क्या आएगा, तो ये छूट गया, ये छूट गया, -5 इंटू 1 माइनस का 5, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 3 1 जा तो ये 3 हो गया, और यहाँ 0 तो आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा 0 हो जाना है, तो ये 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 + 3 13 हो गया, फिर ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3 8, लेकिन नेगेटिव का साइन आएगा, तो 13 × 2 = 26 हो गया, -1 इंटू -8 यहाँ पे प्लस का 8 हो गया, तो फिर आपका यहाँ पे 26 + 8 कितना हो गया, तो ये 34 हो गया, 34 क्या आ रहा है, ≠ 0 आ रहा है, ≠ 0, तो यहाँ पर भी इक्वेशंस हैं जो वो कंसिस्टेंट हैं और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, है ना, यही काम करना था हमें, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। चलो अब सबसे पहले हमें इसके बाद क्या निकालना था, कि हमें x = A 1 B चाहिए, तो A 1 निकालना है, तो A 1 क्या होता है, 1 / डिटरमिनेंट ऑफ A * एडजॉइंट ऑफ A होता है, तो सबसे पहले A 1 निकालेंगे तभी यहाँ पुट करेंगे, तो डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, अब एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा फिर से हमारा लंबा काम हो जाएगा ना, अब हर आगे क्वेश्चन 3 इक्वेशन होंगे तो लंबा लंबा चलेगा, तो नाउ एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, तो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स होती है उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, यही काम करते हैं ना, तो निकालो कोफैक्टर, 1 by 1 सॉल्व कर देता है, तो ये 2 हमने लिया, तो ये क्या हो गया, -5 × -2, तो ये आपका 10 हो गया, फिर 3 × -1, तो ये माइनस का आपका क्या हो गया, 3 हो गया, है ना, और एक फॉर्मूले वाला माइनस भी तो आएगा, फॉर्मूले वाला माइनस भूल गए आप, ये देखो -5 × -2 माइनस का 10 हो गया, 3 × -1 माइनस का 3 हो गया, लेकिन एक फॉर्मूले वाला माइनस आएगा, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलके, अच्छा ये सॉरी प्लस का 10 आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये यहाँ पे कितना आ गया आपका 10 + 3 आ गया। चलो नेक्स्ट करो, अब इस 1 के अलाउ, तो ये छूट गया, ये छूट गया, -5 × 1, तो ये आपका माइनस का 5 हो गया, 3 × 1 तो 3 हो गया और फॉर्मूले का माइनस हो गया, फिर 0 के अलाउ देखोगे तो ये छूट गया, ये छूट गया, -1 × 1 तो माइनस का 1 हो गया, -2 × 1 -2, लेकिन फॉर्मूले का माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस का 2 हो गया, 2 माइनस मिलके प्लस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आप रफ में करके देख लो, नहीं तो ऐसे है ना, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं, बार बार यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, तो मैं छोटा ही लिख रही हूँ, है ना। चलो 1 के अलाउ करें, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, -5 × 1 तो माइनस का 5 हो गया, 0 × दिस तो 0 रह गया, तो यहाँ माइनस का बच गया। अभी आपको पता है कि ये चारों के साइन हमें लास्ट में चेंज करेंगे ना। फिर -2 तो ये छूट गया, ये छूट गया, -5 × 2 तो ये माइनस का 10 हो गया, 0 × 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर ये 3 हो गया, ये छूट गया और आपका ये छूट गया, तो -1 × 2 तो ये माइनस का 2 हो गया। फिर आपका ये लिया ना हमने, ये छूट गया तो ये हो गया, और फिर नहीं अभी हम कौन चल रही है, चल रहा है ना, ये छूट गया, ये छूट गया, तो माइनस का ये 2 हो गया और ये प्लस का 1, लेकिन माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 के अलाउंग आप ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 3 × 1 = 3 हो गया और ये तो 0 हो गया, छोड़ दो। फिर ये -1 इसको ले, ये छूट गया, ये छूट गया, 3 × 2 = 6 और ये 1 × 0 = 0 तो यहाँ 6 ही रह गया। फिर ये 5 लिया तो ये छूट गया, ये छूट गया, -2 × 2 तो ये माइनस का 4 हो गया, फॉर्मूले का माइनस, 1 × 1 = 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सबके साइन चेंज करते हैं, तो ये आपका 10 + 3 कितना हो गया, 13 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, ये आपका यहाँ पर 3 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, ये माइनस का 3 हो गया और ये माइनस का 5 हो गया। ये हो गया हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन 4 के साइन चेंज करते हैं, इसका, इसका, इसका और इसका, ठीक है, यही हमारा तरीका होता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पे मिल जाएगी। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ A यानी इसका ट्रांसपोज कर दो, ये रो 1 को कॉलम 1 बना दो, 13 8 और 1 हो गया, ठीक है। फिर रो 2 को कॉलम 2, 5 - 10 और ये आपका यहाँ पर कितना हो गया, 3 लिख लो, 5 - 10 और 3, और ये कितना, 3 - 6 - 5 तो 3 - 6 माइनस का 5 हो गया। तो नाउ A 1 कितना हो गया, तो A 1 1 / डिटरमिनेंट ऑफ A 34 और ये हो गया 13, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू रख दो, 8 - 10 - 6 1 3 माइनस का 5 हो गया, ठीक है। चलो नाउ अब वही जो हमारा मैट्रिक्स मेथड है, मैट्रिक्स मेथड हमारा यहाँ पे क्या है, जो हमने सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, ये हमारी A 1 की वैल्यू आ गई है, ये हमारी डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई। नाउ वैल्यू पुट करो, x = आपका A 1 B, यही हमारा तरीका है ना सॉल्व करने का। चलो अब इसमें आप वैल्यू पुट करो, तो x की जगह पे हम रखेंगे वही x y z, फिर A 1 क्या है, तो 1 / 34 है और वही 13 5 3 8 - 10 माइनस का 6, 1 3 माइनस का 5, फिर बी कौन है, बी ये रहा 1 3/2 और 9 है, तो लिख लो 1 3/2 और 9 है। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको पहले नहीं करेंगे, पहले इनको करेंगे फिर इसको करेंगे ताकि ये काम यहाँ पे इजी हो जाए। तो ये आपका कॉलम यहाँ से उठ के रो बन जाएगा, 1 हो गया, ये 3/2 हो गया और ये आपका यहाँ पर 9 हो गया। चलो करो मल्टीप्लाई, तो ये आपका 1/34 एज इट इज है। तो ये x, ये y और ये z, 1/34 एज इट करो, 13 1 जा, तो लिखते जाओो साथ में 13, फिर 8 × 3/2, तो यहाँ पे साइड में करके देख लो, है ना, साइड में कर लो 8 × 3/2, 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो 4 3 जा 12 बज गया और 9 1 जा 9 हो गया, फिर अगेन 5 1 जा 5 हो गया, फिर आपका -10 × 3/2, 2 के टेबल में आया 5 टाइम, तो -5 × 3 माइनस का 15 हो गया, और फिर 9 3 जा आपका 27 हो गया, यही कर रहे हैं, फिर 3 1 जा 3 हो गया, -6 × 3/2, तो -6 × 3/2, 2 के टेबल में कैंसिल हो 3 टाइम, -3 × 3 तो माइनस का 9 हो गया, फिर 9 9 5 जा 45, साइन नेगेटिव आ जाएगा, है ना। चलो इसको सॉल्व करो, तो ये 1/34 हो गया। करो एड, 13 + 12 25, 25 + 9 आपका कितना हो गया, 34 हो गया, तो ये आपका 34 हो गया। फिर 15 में से 5 गया तो माइनस का 10 बचा, 27 में से 10 गया तो यहाँ पे 17 हो गया, फिर ये आपका 9 में से 3 गया तो माइनस का 6 बचा ना, तो -6 और 45 माइनस का 51 हो गया। तो अभी भी हम यहाँ पे कंपेयर करके वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो 34 को हम अंदर लेकर गए, 34/34, ये देखो ये 34 × 1 होगा ना, 34/34 1 हो गया, फिर 17/34, तो ये आपका 17 × 12 में 34 2 टाइम आता है, तो ये 1/2 गया, फिर माइनस का 51/34, तो ये माइनस का 3/2 बच जाएगा, है ना। अंदर मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, इसको करोगे फिर इसको फिर इसको, अब आप कंपेयर करोगे यहाँ पर, तो ये हमारा फाइनल क्या बचा, x बचा, y बचा, z बचा, तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये माइनस का 3/2। अब आप यहाँ पे कंपेयर करो, तो x = 1 आ गया, y = 1/2 आ गया और z = माइनस का 3/2 आ गया। तो ये 3 वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल दी, तो बस कुछ नहीं है, ये हमारी 3 इक्वेशन थी, तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और इसमें ज्यादा करना पड़ा, अदरवाइज सब कुछ सिंपल है, मिस्टेक नहीं करोगे तो सब सही आएगा। अब अगर आपको चेक करना है कि क्या ये वैल्यू मेरी सही निकली है या गलत है, तो यहाँ पे इनमें x y z किसी भी एक इक्वेशन में x y z की वैल्यू पुट करके और देख लो लेफ्ट = आपका राइट आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 वैसा ही है, वही हमने मैट्रिक्स लिख ली, ये x के कॉफिशिएंट है, ये सारे y के कॉफिशिएंट है और ये सारे आपके यहाँ पर z के कॉफिशिएंट है, फिर ये x की मैट्रिक्स जो है वेरिएबल की, b मैट्रिक्स जो है कांस्टेंट की। चलो तो सबसे पहले हमें वही कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ रहा है, तो किसी के भी अलाउंग आप यहाँ पे एक्सपांड कर दो जो मर्जी हो, तो मैं यहाँ पे r1 के अलाउंग ही कर देती हूँ। इसके साथ में आपको पता है ना कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो प्लस का 1 आया, तो यहाँ पे देखो ये छूट गया और ये छूट गया, 1 1 जा 1 हो गया, फिर फॉर्मूले का -3 × 1, तो ये -3 हो गया, ठीक है। फिर ये इसके साथ में -2, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, तो इसके साथ में देखो ये छूट गया ये छूट गया, -1 × 1 माइनस का 1, फिर फॉर्मूले का -1 1 जा आपका 1 हो गया, फिर आपका प्लस का 1 आया, तो ये वाला 1 लिया, ये छूट गया, तो -3 × -1, तो ये आपका यहाँ पे 3 हो गया, फिर 1 1 जा 1, तो ये फॉर्मूले का -1। तो चलो सॉल्व करो, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 + 3 4 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका -2, तो यहाँ पहले से 1 + 1 2 साइन आपका नेगेटिव आएगा, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 1 जा आपका 2 हो गया, तो फिर ये 4 -2 × -2, तो ये प्लस का 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4 और ये 2, तो 4 4 8 और 9 10, 10 आ गया, ≠ 0 आ रहा, तो वही कंसिस्टेंट है, तो यूनिक सोल्यूशन क्या मिलेगा हमें, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। चलो अब इसके बाद आपको पता ही है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए, बस ये फॉर्मूले दिमाग में रखो, x = हमें A 1 b चाहिए, तो A 1 के लिए हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, जो पहला मेथड किया था ना स्टार्टिंग में, वो भी आप कर सकते हो, इनटू आप यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A करो, बट A 1 निकालने के लिए ये इजी मेथड है, यहाँ मिस्टेक नहीं होती है, तो एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट A आपको पता है को फैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है को फैक्टर मैट्रिक्स का, तो नाउ एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं, ठीक है, तो बाद में लिखेंगे ना, जहाँ पे भी आएगा वहां ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे, तो 1 1/1 लेते हैं, 1 के अलोंग लेंगे, तो ये छूट गया ये छूट गया, 1 1 जा 1, फॉर्मूले का -3 × 1, तो ये -3 हो गया, फिर 2 के अलाउंग लो, ये छूट गया -1 × 1, तो -1, फिर फॉर्मूले का -1 1 जा 1 हो गया, फिर इसको ले लो तो इसके अलॉन्ग ये छूट गया, ये छूट गया, -3 इंटू -1 तो ये 3 हो गया। फिर फॉर्मूले का -1 1 जा आपका 1 हो गया। लिख लिया, इस तरह से लिख के कर लो, गड़बड़ नहीं होगी। फिर -1 के अलॉन्ग ये छूट गया, ये छूट गया, 2 1 जा 2, फॉर्मूले का -3 1 -3 इंटू 1 माइनस का 3 हो गया। फिर इसके अलॉन्ग ये छूट गया, ये छूट गया, 1 1 जा 1 तो ये 1 माइनस का आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर इसके अलॉन्ग लो तो ये छूट गया, ये छूट गया, -3 इंटू 1 -3 फॉर्मूले का -2 1 जा 2 हो गया। फिर इसके अलॉन्ग लो ये छूट गया, ये छूट गया, 2 1 जा 2 1 1 जा 1 तो 2 माइनस का 1 आया। हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। -3 के अलॉन्ग ये छूट गया, ये छूट गया, 1 1 जा 1 और -1 इंटू 1 तो -1 तो 1 माइनस -1 हो गया। फिर ये तो 1 1 जा 1 और -2 इंटू 1 तो -2 तो 1 1 जा 1 फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम एक बार में सॉल्व कर लेते हैं। -- प्लस हो गया तो ये प्लस का 3 हो गया, तो 3 + 1 क्या हो गया, ये आपका 4 हो गया। -- प्लस हो गया तो 3 + 2 कितना हो गया आपका, यहाँ पर 5 हो गया। फिर 2 - 1 ये आपका 1 हो गया। ठीक है, ट्रांसफर -- प्लस होता है तो ये माइनस का आपका 2 हो गया। 1 - 1 0 हो गया। -- प्लस होता है तो ये आपका प्लस का 2 हो गया। 3 - 1 2 हो गया। -- प्लस तो माइनस का 5 हो गया। -- प्लस तो ये आपका यहाँ 3 हो गया। अब हमें पता है इसके बाद में हमें क्या करना होता है, इनके साइन चेंज, इसका 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 इन चारों के साइन हम चेंज कर देते हैं तो ये माइनस हो गया। ये शॉर्टकट तरीका है, बाकी अदर जो लॉन्ग मेथड वो मैंने आपको पीछे समझा रखा है। ये शॉर्टकट तरीका है जिसे हम सॉल्व करते हैं। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस और ये भी आपका प्लस हो गया। करो इनका आप ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करोगे तो आपका यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल जाएगा। करो 4 2 2 तो ये हो गया 4 2 2 -5 0 5 तो -5 0 5 हो गया। फिर 1 - 2 और ये 3 हो गया तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। चलो अब आप लिखो यहाँ पे ए इनवर्स लिख लो। तो ए इनवर्स क्या था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए तो ये 10 आ रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए तो ये आपका आ रहा है 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3 हो गया। हो गया खत्म। चलो अब हमारा वही जो हमें मैट्रिक्स के लिए सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास मैथड है, मैट्रिक्स मैथड। x = A 1 B हमें यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, तो क्या करना है, बस अब वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, x है, y है और z है। फिर a इनवर्स कितना है तो 1/10 है। फिर 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 और 3 है। और b कितना है तो b ऊपर 4 0 2 है तो लिख लो ये 4 0 होने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना होता है हमें, यहाँ से इस कॉलम को उठा के यहाँ पे रो बना देना होता है। तो ये 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, तो बीच में तो आपका 0 आ रहा है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या इसका मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं, बस इनको कर 4 - 4 = 16 2 - 0 = 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये कर दो 2 - 2 = 4 -5 × 4 -20 5 × 2 तो ये 10 हो गया। फिर 4 × 1 तो 4 हो गया और +3 × 2 = 6 हो गया। तो देखो कितना आया, 1/10 16 + 4 20 20 में से 10 गया, माइनस का 10 साइन बढ़ा, 6 + 4 10 हो गया। अब 1/10 को यहाँ डिवाइड करोगे तो 20/10 2 -10/10 माइनस का 1 10/10 1 हो गया। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं, ये x है, ये y है, ये z है, इक्वल टू ये 2 है, ये -1 है और ये 1 है। करो कंपेयर, कंपेयर किया तो x = 2 आ रहा है, y = -1 आ रहा है और z = 1 आ रहा है ना। सेम क्वेश्चन बार बार कर करके ना बोर हो जाते हैं ना। तो ये तो आपके तो एग्जाम में एक आएगा, आपको एक प्रैक्टिस करोगे। और देखो मुझे आपको सारे सॉल्व करके दिखाने, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ होगी तो आपको चेक तो करने के लिए आंसर चाहिए ना। तो ये तरीका है, हर एक चीज मैंने अच्छे से लिखी ताकि आपको समझ में आए कैसे ये 4 आया है, क्योंकि यही आप गलतियां करते हो ना। और साइन कहाँ पे चेंज कर रहा है, ये शॉर्टकट मेथड से हम कर रहे हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। चलो 12 के बाद 13 देखते हैं। अब हमारे पास 13 और 14 2 क्वेश्चन और है। तो ये हमारा क्वेश्चन 13 मैट्रिक्स, तो अब आप लिख लोगे, सारे ही कॉफिशिएंट यहाँ पे अवेलेबल है। x के भी 3 है, y के भी 3 है, z के भी 3 है। अब वही डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। तो सबसे पहले किसी के भी अलॉन्ग करें तो r1 के अलॉन्ग कर लेते हैं। यहाँ नेगेटिव आएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव। तो 2 आ गया, -2 × -2 4 हो गया, फॉर्मूले का माइनस, -1 × 1 तो ये माइनस का 1 हो गया। फिर ये माइनस का 1 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छूट गया, ये छूट गया, 3 × -2 माइनस का 6 फॉर्मूले का माइनस, 3 × -1 तो ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है, फिर प्लस का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बचा। चलो करो, ये हो गया 3 × 1 3 हो गया, -2 × 3 तो माइनस का 6 फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस का 6 हो गया। करो सॉल्व, तो ये आपका 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 1 5 हो गया, फिर -1 माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये कितना हुआ -6 + 3 हो गया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा तो यहाँ माइनस का 3 बच गया, फिर प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 + 3 आपका यहाँ पर 9 हो गया, तो 5 × 2 = 10 हो गया, -1 × -3 प्लस का 3 हो गया, 9 × 3 आपका 27 हो गया, तो ये 30 और ये 40 हो गया, 40 आ रहा है ≠ 0, तो आप लिख लोगे यहाँ पर कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हमें XYZ की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। चलो अब इसके बाद हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो वही दो फॉर्मूलेज आप यहाँ पे याद रखो, x = a इनवर्स b में वैल्यू पुट करके XYZ की वैल्यू निकालनी है, और इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है, तो एडजॉइंट ऑफ a निकाले पहले तभी तो हमारा a इनवर्स आएगा, तो यहाँ पे निकालते हैं अब हम एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a हमें बताइए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो 2 के अकॉर्डिंग ये छूट गया -2 × -2 4 हो गया, फॉर्मूले का -1 × 1 माइनस का 1, फिर इसके लिए निकालो ये छूट गया 3 × -2 माइनस का 5, फॉर्मूले का माइनस, 3 × -1 माइनस का 3 हो गया, फिर ये 3 ये छूट गए दोनों, 3 × 1 3 फॉर्मूले का माइनस, 3 × -2 माइनस का 6 हो गया। चलो अब 3 क्या लॉन्ग लें, ये छूट गया -2 × 1 -2, 3 × 1 3 हो गया, फॉर्मूले का यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर इसके अलॉन्ग लो ये छूट गया 2 × -2 माइनस का 4 और 3 × 3 आपका 9 हो गया, ठीक है, फिर -1 ये छूट गया 2 × 1 2 3 × 1 3 तो 2 माइनस का आपका 3 हो गया, फिर इसके अलॉन्ग ले लो ये छूट गया -1 फॉर्मूले का माइनस और 3 × -2 तो माइनस का आपका 6 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे ट्रांसपोज लिख लेते हैं, फिर 1 ये और ये छूट गया 2 × -1 माइनस का 2, 3 × 3 = 9 तो ये माइनस का 9 हो गया, फॉर्मूले का माइनस है ना, फिर ये -2 ये छूट गया -2 × 2 तो माइनस का 4, 3 × 1 = 3 तो ये आपका फॉर्मूले का माइनस और 3 हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 + 1 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 3 + 2 5 लेकिन माइनस का 5 है, दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 6 हो गया तो 6 − 1 आपका यहाँ पर 5 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस तो -6 + 3 तो माइनस का 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 9 + 4 13 लेकिन साइन नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 9 + 2 11 लेकिन माइनस का 11 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 + 3 आपका यहाँ पर 9 हो गया, 2 − 3 माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो ये माइनस का 7 हो गया। अब आपको पता है इसके बाद सॉल्व करने के बाद हमें इसका 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 साइन चेंज करना है, शॉर्टकट मेथड हमारा यही कहता है नेगेटिव पॉजिटिव चारों नेगेटिव तो चारों क्या हो गए पॉजिटिव गए। अब कर दो यहाँ पे ट्रांसपोज तो हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया 5 3 9 रो में है तो इनको कॉलम में है तो रो में कर दो 5 3 9, कॉलम 2 को रो 2 5 - 13 और 1 और ये 5 11 और ये माइनस का 7 हो गया, तो ये हमारा एडजॉइंट ए हो गया। तो अब इसके बाद क्या होगा, दिस एम्प्लाइज ए इनवर्स हम लिख लेते हैं, तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो 5 5 5 3 - 13 11 9 1 - 7 ये हमारा A इनवर्स आ गया। चलो अब जो हमारा मैट्रिक्स मेथड है उसको लेकर के आते हैं, x = a इनवर्स b रखो, इसमें सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, x की क्या है वैल्यू, x है y है z है, a इनवर्स की क्या है 1/40 है, ये रही वैल्यू 5 5 5 3 - 13 11 9 1 - 7 और b कितना है तो 5 - 4 3 ऊपर लिखा हुआ ये रहा है ना। चलो करो मल्टीप्लाई, तो आपको पता ही है कि ये कॉलम उठ के यहाँ रो बन जाएगी 5 - 4 3 इस तरह से, है ना, समझाया हुआ है ना, सारा सब आता है आप लोगों को। चलो 1/40 हो गया, करो मल्टीप्लाई 5 5 = 25 -4 × 3 माइनस का 12 9 × 3 27 5 5 = 25 -13 × 4 तो प्लस का 52 3 × 1 तो 3 हो गया 5 3 = 15 11 × -4 माइनस का 44 -7 × 3 माइनस का 21 हो गया, तो ये आपका हो गया 1/40 एज इट इज। चलो सॉल्व करो, 25 में से 12 गया तो कितना बचा 13 बचा, 13 प्लस 27 कितना हो गया 40 हो गया। फिर ये 5 6 7 8 9 10 तो यही हो गया 50 70 और 10 ये 80 हो गया और ये 44 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये ऐड करोगे तो 45 55 हो गया। 55 में से 15 गया तो आपको माइनस का 40 बच गया है ना। चलो डिवाइड करो 40 बाय 40 तो ये आपका 1 बचा, 80 बाय 40 2 बचा, माइनस 40 बाय 40 माइनस का 1 बचा। तो यहीं से आप ये देख लो तो हैंस XYZ इक्वल टू क्या है आपका 1 है 2 है -1 है। कंपेयर कर लो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे से। तो x इक्वल टू 1 आ रहा है, y इक्वल टू 2 आ रहा है एंड z इक्वल टू माइनस का 1 आ रहा है। यही 3 वैल्यू अब आपकी राइट है या रॉन्ग तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैट्रिक्स हमने लिख लिया, इजी काम आप कर लोगे। अब जहां आप गलती करोगे वो बता दो। डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके अलॉन्ग निकाले, चलो R1 के अलॉन्ग ही निकाल दे। तो 1 ले लिया, इसके साथ नेगेटिव आएगा बाकी सारे पॉजिटिव। 1 लिया तो ये छूट गया, ये छूट गया। 4 3 12 फॉर्मूले का माइनस, -5 इंटू माइनस 1 तो ये 5 हो गया। फिर ये 3 इसका नेगेटिव का साइन आएगा तो ये और ये तो -1 इंटू 3 माइनस 3 फॉर्मूले का -2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ प्लस का 2 आएगा तो प्लस का 2 आया, ये छूट गया ये छूट गया, -5 इंटू माइनस 1 5 हो गया। फिर फॉर्मूले का -4 2 था आपका 8 हो गया। तो चलो ये करो, 12 में से 5 गया 7 बचा, फिर आपका माइनस का 3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का 2 हो गया। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 3 बड़ा है। 8 माइनस 5 तो आपका यहाँ 3 आएगा है ना, लेकिन 3 किसका आएगा नेगेटिव का आएगा। तो ये क्या हो गया 7 माइनस माइनस प्लस तो 3 1 जा 3 हो गया और ये माइनस का 6 हो गया। तो 10 में से आपका 6 गया तो कितना बचा 4। 7 प्लस 3 10 हो गया, 10 में 6 गया 4 नॉट इक्वल टू 0। ये भी आपका क्या है यहाँ पर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन ही हमारे सिलेबस में जो हमें निकालना है। अब है ना सीधा का सीधा एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं ना, सीधा है ना, लिखते नहीं ऊपर फॉर्मूला, अब तो समझ गए होंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, 1 के अलॉन्ग 4 3 जा 12 हो गया, -5 इंटू माइनस 1 5 हो गया फॉर्मूले का माइनस। फिर 3 के अलॉन्ग ये छूट गया ये छूट गया, -1 इंटू 3 माइनस का 3 फॉर्मूले का -2 इंटू माइनस 1 तो ये -का 2 हो गया। फिर 2 के अलॉन्ग निकालो तो -5 इंटू माइनस 1 5 4 2 जा 8 फिर फॉर्मूले का माइनस हो गया। ठीक है, फिर -1 ये छूट गया ये छूट गया, 3 3 जा 9 -5 इंटू 2 माइनस का 10 और एक फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 4 तो ये छूट गया ये छूट गया, 3 1 जा 3 2 2 जा 4 तो 3 माइनस 4 हो गया। फिर -1 के अलॉन्ग ये छूट गया और ये छूट गया, -5 इंटू 1 -5 और 6 तो -5 और ये -का 6 हो गया। फिर 2 के अलॉन्ग -3 और प्लस का 8 तो -3 और प्लस का 8 फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, फिर एक सेकेंड कुछ गड़बड़ किया क्या, -3 और 8 हो गया ना, एक सेकेंड, नहीं सब कुछ सही है। ठीक है, -5 ये छूट गया ये छूट गया, 1 1 जा ये छूटा और ये छूटा, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 फॉर्मूले का माइनस। फिर 3 4 1 जा 4 ये छूट गया ये छूट गया ना, 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 फॉर्मूले का माइनस। अब इस मैट्रिक्स का हमें करना है ट्रांसपोज, तो पहले मैं सॉल्व तो कर लें। 12 माइनस 5 7 माइनस माइनस प्लस हो गया तो -3 प्लस 2 तो -1 5 माइनस 8 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस तो 10 प्लस 9 19 हो गया। 4 में से 3 गया 1 आएगा नेगेटिव आएगा 4 बड़ा है, माइनस माइनस प्लस -का 11 माइनस माइनस प्लस -का 11 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो ये 4 प्लस 3 7 हो गया। अब इसका हमें करना है ट्रांसपोज, तो आपको पता ही है किसके साइन इसके 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 इन चारों के साइन बदल जाते हैं। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब आपको करना है ट्रांसपोज है ना, तो ट्रांसपोज करो तो ये क्या हो गया 7 1 माइनस 3 कॉलम को उठा के रो में लिख दो, 7 1 माइनस 3 -19 कॉलम 2 का -1 और ये 11 है ना, फिर -11 माइनस 1 और ये 7 तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। चलो ए इनवर्स लिख लेते हैं अब हम, तो ए इनवर्स कितना हो गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 और एडजॉइंट ऑफ ए 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 -3, 11 और 7। चलो इसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें वही मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, तो x की, A इनवर्स की और b की ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। अब बस सॉल्व करना है, तो ये कॉलम को उठा के यहाँ रख दो। ये 7 है, ये -5 है और ये आपका 12 है। चलो करो मल्टीप्लाई। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये 1/4 एज इट इज। 7 7 जा 49, -5 इंटू 1 माइनस का 5, 12 इंटू -3 माइनस का 36, -19 इंटू 7 तो माइनस का 133 होता है, -5 इंटू -1 तो प्लस का 5, 11 इंटू 12 तो ये हो गया आपका 132 हो गया, -11 इंटू 7 माइनस का 77, -5 इंटू -1 प्लस का 5, 12 इंटू 7 तो ये आपका हो गया 84। चलो करो सॉल्व। ये 1/4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, 36 प्लस 5 कितना 41 हो गया, 49 में से आपका 41 गया, 8 बच गया। फिर ये -33 में से 132 गया तो माइनस का 1 बचा, -1 प्लस 5 तो यहाँ पे आपका 4 बच गया। ये 84 प्लस 89 हो गया, 89 में से आपका 77 गया तो ये आपका 12 बच गया, ठीक है। तो अब 8/4 तो ये आपका 2 हो गया, 4/4 1, 12/4 3 हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो जो हमारा लेफ्ट क्या है, x है, y है और z है, और राइट कितना है तो 2 1 3 है। कंपेयर करो तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू आपका 3 है। तो ये तीन ही वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी थी। पुट करके आप देख लो किसी भी इक्वेशन में, आप लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा तो आपका आंसर यहाँ पर राइट है। तो ये हो गए हमारे 14 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे, वो भी इस वीडियो में ही सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना 415, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने 12, 13, 14 किया, बट थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया। कैसे? आपको कहा है कि इफ ए ये है तब आप ए इनवर्स फाइंड करो। आपको ए एक मैट्रिक्स दी हुई है तो ए इनवर्स फाइंड करो। तो ए हमें दिया हुआ और ए इनवर्स फाइंड करना, तो हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला तो पता है कि 1/determinant ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये काम तो हम कर लेंगे। Using A inverse solve the system of equation, तो आपको कह रहा है कि इस A inverse का यूज करते हुए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो हम कैसे करें, क्योंकि अगर हम इस A inverse को, पुराना क्वेश्चन देखते हैं ना, अगर हम इस A inverse को अगर इस A inverse के थ्रू अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो A भी इसी का होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे ये देखोगे कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, इसका आप A लिख करके देखो, ये A और ये A सेम ही है, तो है ना कंफ्यूज करने वाली बात कर दी। 2 3 1 तो देखो 2 3 1, -3 2 और 1 तो ये -3 2 एंड 1, 5 -4 -2, 5 -4 -2 तो देखो ये एक ही तो है, सेम है, 2 3 1, -3 2 1, 5 -4 - तो कोई अलग नहीं है, इसी का A निकाल के आपको बता दिया। x यहाँ पे क्या हो जाएगा तो x y z हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा तो b अगर हम देखें तो 11 -5 और -3 हो गया। तो जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे ना वैसे ही करो, यही आपका A है, इसी का A इनवर्स निकालो और सॉल्व करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ के देख लेना कि भाई सेम है, तो हमें वही पहले कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो, तो वही यहाँ देख लो 2 के अलॉन्ग, हम यहाँ पे R1 के अलॉन्ग इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ले लिया, तो ये -2 इंटू 2 माइनस का 4, फिर फॉर्मूले का -4 इंटू 1 तो ये -4 हो गया, ठीक है। फिर आपको पता है इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा तो -3 हो गया, फिर ये आपका ये छूट गया, ये छूट गया, -3 इंटू -2 तो 6 हो गया, फॉर्मूले का -5 1 जा 5 हो गया, फिर प्लस का 1 हो गया, तो ये छूट गया, ये छूट गया, -4 इंटू -3 तो 12 हो गया, फॉर्मूले का -5 2 जा आपका 10 हो गया, ठीक है। तो ये 2 हो गया, -4 प्लस का 4 हो गया, ये तो आपका 0 हो गया, 4 -4 0 तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, फिर -3 और ये आपका यहाँ पर 1 हो गया, फिर +1 और ये आपका 2 हो गया, तो ये तो आपका 0 हो गया, -3 इंटू 1 माइनस का 3, 2 1 जा 2 गया, 3 में से 2 गया, -1 बचा, है ना। तो फिर क्या लिखेंगे, -1 0 थोड़ी ना आ रहा है, नॉट इक्वल 0, तो सोल्यूशन इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो हमें यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन मिला। हमारे सिलेबस में यही है ना, तो बस हमें यही एक ही काम करना है सारी इक्वेशंस में। अब हम निकालते हैं यहाँ पे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, 2 के अलॉन्ग, देखो 2 के अलॉन्ग तो सारी यही वैल्यू आने वाली, यही 0 आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा और ये 2 आएगा ना, हमने जो सॉल्व किया ना ये अंदर वाला वही आने वाला है। तो ये 0 लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे आपका 2 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अब करके देख लो, ये 2 है ना तो -4 ये रहा, फॉर्मूले का -4 इंटू 1 तो ये सॉल्व किया, 0 आ रहा है, ठीक है। अब -3 के लाऊंगा, ये छूट गया, ये छूट गया, 3 इंटू -2 -1, फॉर्मूले का -4 इंटू 1 माइनस का 4 हो गया, फिर 2 के लॉन्ग ये छूट गया माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 5 वन ज़ा 5 माइनस 4 और प्लस का 5 ठीक है। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो 1 के अलॉन्ग ये छूट गया माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 8 प्लस 5 3 ज़ा अच्छा यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस 5 3 ज़ा आपका कितना हो गया 15 हो गया। फिर इस 5 के अलॉन्ग ये छूट गया 3 वन ज़ा 3 2 वन ज़ा 2 तो 3 माइनस का 2 हो गया। फिर इसके अलॉन्ग ये छूट गया 2 वन ज़ा 2 और ये 2 फॉर्मूले का माइनस माइनस का 3 फिर ये इसके अलॉन्ग ये छूट गया 2 2 ज़ा 4 माइनस और ये माइनस 3 इंटू 3 माइनस का 9 हो गया इसका ट्रांसपोज। तो पहले इसको सॉल्व करो ये तो 0 है ये 1 है ये 2 है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 बचा माइनस माइनस प्लस तो 15 प्लस 4 19 लेकिन साइन नेगेटिव माइनस माइनस बाय 15 प्लस 8 23 लेकिन साइन नेगेटिव 3 माइनस 2 1 हो गया माइनस माइनस प्लस तो ये 5 हो गया माइनस माइनस प्लस तो ये आपका 13 हो गया। अब आपको पता है इसके बाद हमारा क्या काम करना होता है इसका 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 इन चारों का साइन चेंज कर दो तो ये आपका पॉजिटिव हो गया नेगेटिव था तो ये नेगेटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया। चलो करो अब इसका क्या करना है हमें ट्रांसपोज कर रहे हैं ना तभी तो हमें एडजॉइंट ए मिल रहा है ये एडजॉइंट ऑफ ई करो इसका ट्रांसपोज 0 माइनस 1 2 ये कॉलम हमारी रो बन गई 0 माइनस 1 2 हो गया फिर ये कॉलम 2 रो 2 बन गई माइनस 19 23 फिर कॉलम 3 रो 3 बन गई 1 माइनस 5 और ये 13 हो गया। नाउ अब यहाँ से हम लिख लेते हैं हमारा ए इनवर्स तो ए इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1 तो ये 0 माइनस 1 2 2 माइनस 19 23 1 माइनस 5 और ये 13। अब आप देखो 1 बन जाए तो 1 होता है इस नेगेटिव को हम अंदर ले जाते हैं तो ए इनवर्स तो सिर्फ यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता 2 जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर दो जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव कर दो ये तीनों नेगेटिव है तीनों पॉजिटिव है 1 19 5 ये तीनों पॉजिटिव है तीनों नेगेटिव हो जाएंगे माइनस 2 माइनस 23 और माइनस का 13 हो गया ठीक है। चलो अब हम वही हमारा जो मैट्रिक्स मैथड x इक्वल टू ए इनवर्स बी ले लेते हैं करो इसमें वैल्यू पुट जो वैल्यू चाहिए थी हमने सारी निकाली ना पुट कर देते हैं ठीक है। ये वैल्यू सबकी यहाँ पे लिख दी अच्छा एक गड़बड़ हो गई है ना इसको मैंने 15 समझ लिया जबकि ये क्या है 5 है तो यहाँ पे 19 नहीं आएगा यहाँ ओनली क्या आएगा आपका 9 आएगा है ना ओनली 9 आएगा यहाँ पे है ना माइनस माइनस प्लस है ना तो ये 5 था मैंने इसको 15 समझ लिया। चलो अब करते हैं हम इसको सॉल्व तो क्या करेंगे ये कॉलम को उठा के किस में बना देंगे रो में चेंज कर देंगे ये 11 हो गया ये माइनस का 5 हो गया और ये माइनस का 3 हो गया करो मल्टीप्लाई अब यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 जीरो ज़ा 0 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 हो गया 11 इंटू माइनस 2 माइनस का 22 माइनस 5 इंटू 9 माइनस का 45 माइनस का 23 इंटू माइनस का 3 तो 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 लेकिन किसका आएगा प्लस का 2 नेगेटिव है इसलिए फिर 11 इंटू माइनस 1 माइनस का 11 माइनस 5 इंटू प्लस का 5 तो माइनस का 25 और माइनस 13 इंटू माइनस 3 तो प्लस का 39 हो गया। चलो करो सॉल्व 6 में से 5 गया 1 बच गया इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 6 7 और ये 67 आ रहा ना तो ये आपका 2 बच गया यहाँ से और ये 25 और 11 कितना हो गया 26 हो गया 36 39 तो ये आपका 3 हो गया तो ये तो बहुत ईजी हो गया। नाउ हमने सॉल्व किया आगे तो कुछ है ही नहीं नंबर यहाँ पे x y z हो गया तो ये 1 2 3 आ गया कंपेयर करो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करके चेक कर लो यहाँ पे चाहे इसमें पुट कर लो 1 2 3 पुट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम देखो वर्ड प्रॉब्लम को भी आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो बहुत इजी है बस मैट्रिक्स बनानी है मैं तो वर्ड प्रॉब्लम है देखो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा कि आप उसको समझ सको कि ये वही चीजें जो हम पहले अभी तक इक्वेशंस कर रहे थे। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 3 kg वीट 2 kg राइस इज 60 रुपीज द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन 4 kg वीट 6 kg राइस 90 रुपीज द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन 2 kg वीट और 3 kg राइस इज 70 रुपीज है ना। फाइंड क्या करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड तो जो हमें फाइंड करना होता है वही हम लेट करते हैं देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं लेट करूं कि 1 kg ऑनियन जो है वो ₹X का है, तो 4 kg कितने का हो जाएगा? 4x का हो जाएगा। पर अगर मुझे पता है 1 किलो ऑनियन का जो रेट है अगर वो ₹10 है ना, तो 4 किलो लाओगे तो क्या होगा? ₹40 नहीं हो जाएगा? तो सेम यही 1 kg का हम लेट करेंगे ऑनियन का रेट, व्हीट का रेट, राइस का रेट। लेट के ऑनियन का रेट x है, तो ये इक्वेशन आपकी किस में चेंज रहेगी? 4x + 3y + 2z, 2x + 4y + 3z, और सेम वही इक्वेशन बन जाएगी जो अभी तक हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। और उसके बाद तो जो हमारा मेथड है वो आपको पता ही है, बस इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ऑनियन इक्वल टू ₹X। अगर 1 kg की ₹X, तो 4 kg की 4x हो जाएगी, इसकी 2x हो जाएगी, इसकी 6x हो जाएगी। And let the price of 1 kg wheat, वो है हमारी ₹Y। Let the price of 1 kg rice equal to Z। तो अब हमारी इक्वेशन जहां पे ऑनियन दिख रहा है ना, 1 kg ऑनियन वहां x लिख लेते। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x + 3y + 2z, क्योंकि इसने 4 किलो लिया तो ₹40 देगा। व्हीट का मान लो अगर ₹20 है तो 20 × 3 60 देगा, और राइस का रेट मान लो ₹40 है तो यहाँ पे ₹80 देगा। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन रही है ना। तो ये 60 हो गया, इक्वेशन 1 हमारी ये हो गई ना। 1 जो थी वो इसमें चेंज हो गई। 2x + 4y + 6z = 90 हो गया। तो ये 1 2 3 है ना, इसको 4 कर दिया, इसको 5 कर दिया। ये 6x + 2y + 3z = आपका 70 हो गया, इक्वेशन नंबर 6 हो गई बस। लेकिन आपको इसको किससे सॉल्व करना है? मैट्रिक्स मैथड से। तो मैट्रिक्स मैथड में वही हमें इनको किस में चेंज करना पड़ेगा? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमने बना ली, ये आपको सबको आता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स। चलो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। R1 क्या लोग एक्सपांड कर दे, तो 4 रखा तो क्या बचा? 4 3, सारे पॉजिटिव ना, बहुत जल्दी हो जाएगा। 4 3 12, 6 2 12, तो ये हो गया 12 - का 12 हो गया, तो 0 हो गया। इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, फिर ये छूट गया, ये छूट गया। 3 3 9, 2 2 4, तो 9 - 4 हो गया। फिर ये आपका प्लस का 6 आ गया, ये छूट गया, ये छूट गया। 6 3 12, 4 3 8, तो 12 - का 8 हो गया। तो ये तो आपको पता है ये 0 हो गया। 9 - 4 कितना हो गया? 5 हो गया, तो 5 × -2 - का 10 हो गया। 12 में से 8 गया तो 4 बचा, तो 6 - 4 आपका 24 हो गया। 24 में से 10 गया, तो एक सेकेंड, क्या गड़बड़ तो नहीं किया? गड़बड़ किया ना। 6 3 18 आएगा यहाँ, 18 है ना। ये 6 3 18, 4 2 8, तो 18 - 8 10 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे 10 6 60 आएगा, है ना। 10 10 60, तो 60 में से 10 गया तो आपका कितना बचा? 50 बजाती है। नॉट इक्वल टू 0, तो कंसिस्टेंट है और हमें इक्वेशन यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे। अब आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। तो देखो इसके लिए तो आपको पता ही है कि इसके लिए यही 12 - 12, तो ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, इसके लिए 9 - 4 हमने निकाला तो यहाँ 5 हो गया। 18 - 8 निकाला, ये हमने 10 हो गया। इनके लॉन्ग सॉल्व किया, वही हो गया। अब इसके लॉन्ग देखो, ये छूट गया, ये छूट गया। 3 2 6, 6 6 36, तो 6 - 36 हो गया। फिर इसके लिए देखो, ये छूट गया, ये छूट गया। 4 3 12, 6 2 12, तो ये 12 - का आपका 12 हो गया। फिर इसके लिए देखो, ये छूट गया, ये छूट गया। 6 4 24, और 2 2 4, तो 24 - 4 हो गया। फिर इसके लिए ये छूट गया, ये छूट गया। 2 2 4, और 6 4 24, 4 - 24 हो गया। ठीक है, फिर इसके लिए ये दोनों छूट गए, 8 और 18, तो ये 8 - 18 हो गया। फिर इसके लिए ये छूट गया, तो ये 16 - 6, तो ये हो गया 16 - का 6 हो गया। करो ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज किया तो ये 0 5। चलो पहले सॉल्व तो करें। 36 - 6, तो -का 30 हो गया। यहाँ 0 हो गया। 24 - 4, 20 हो गया। 24 - 4, -का 20 हो गया। यहाँ पे 18 - 8, -का 10 हो गया। 16 - 6, तो ये आपका 10 हो गया। चलो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करने पड़ेंगे। पहले शॉर्टकट तरीका तो हमारा यही है, अदरवाइज तो पूरा लंबा चौड़ा आप मैथड करो। तो साइन चेंज करो, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। चलो अब लिखो आप यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिख लें। फाइनल जो हमारा बच रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया है? करो ट्रांसपोज, 0 - 5 10, 0 - 5 10, फिर ये आपका 30, 0 - का 20, फिर -का 20, एंड 10 हो गया। चलो अब ए इन्वर्स लिख लेते हैं। ए इन्वर्स यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपका 50 था। एडजॉइंट ऑफ ए 0 30 माइनस का 20 माइनस का 5 0 10 10 माइनस का 20 और 10। चलो अब हमारा वही काम, क्या x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, रखो वैल्यू इसके अंदर। तो x क्या है आपका यहाँ पर, x y z है। ए इन्वर्स क्या है, तो 1/50 0 30 माइनस का 20 माइनस का 5 0 10, यही था ना, ठीक है। फिर 10 माइनस का 20 और 10, और b कितना है आपका, तो b बड़े बड़े नंबर है 60, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये 60 90 70 90 70। चलो करो मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, ये वाली कॉलम उठ के इधर क्या बन जाएगी आपकी, रो बन जाएगी। तो ये हो गया 60, ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका 70। करो मल्टीप्लाई, तो ये 1/50 आगे लिख लेते हैं। 60 जीरो जा 0, 9 5 जा 45, तो ये माइनस साइन आगे और ये प्लस का 700 हो गया, है ना। बड़े नंबर है लेकिन सॉल्व कर लेंगे। ये 6 3 जा 1800 हो गया, फिर ये तो आपका 0 हो गया, और ये 7 2 जा 14, तो माइनस का 1400 हो गया। 6 2 जा 12, तो माइनस का 1200 हो गया, और ये 19 2 10, तो प्लस का 900 हो गया, और ये प्लस का 700 हो गया। चलो करते हैं सॉल्व। 1/50 एज इट इज। 700 में से 450 गया तो 350 बच गया, 1800 में से 1400 गया तो 400 बच गया, 9 + 7 16, 16 में से 12 गया, ये भी आपका 400 बच गया। करो 50 से डिवाइड, 50 से 5 की डबल 37 कितनी बार, 7 टाइम, 40 8 टाइम ना, यस 8 टाइम, ये भी 48 टाइम। नेगेटिव तो कहीं पे है ही नहीं, तो यहाँ से क्या हो गया, x y z हमारा लेफ्ट ही था, यही था। राइट क्या आ गया, 7 8 8 आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू आपका 7 है, y इक्वल टू आपका 8 है, और रुपीज था ना, तो रुपीज 8 रुपीज कॉस्ट होनी है, कॉस्ट थी ना हमारी। z इक्वल टू भी आपका क्या, 8 रुपीज था। तो बस फाइनल आंसर क्या था, जो हमने लेट किया ना वही है। हैंस द प्राइस ऑफ 1 kg ऑनियन इज दिस, 1 kg व्हीट इज दिस, लिख लेते हैं। हैंस द प्राइस ऑफ 1 kg ऑनियन इज 7 रुपीज, 1 kg wheat is 8 rupees, and 1 kg rice is also 8 rupees। ठीक है, तो ये इजी। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आती है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन तो हम 9th क्लास से सीखते आ रहे कैसे बनाते हैं, तो इक्वेशन भी इतनी कोई टफ नहीं है। इक्वेशन लिखने के बाद आपको ये मेथड तो आता ही है, तो बस इक्वेशन अगर आपने लिख ली ये वाली, तो आप इजीली मैट्रिक्स मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमारी होगी 4.6। कल से हम वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज, और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 5।